देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा 2022 से हिमाचल प्रदेश में रह रहे 70% स्वर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इसी समानता के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की ओर से 100 दिनों के लिए अंत्याग यात्रा शुरू की गई है। ये बात रुमित सिंह ठाकुर ने श्री नैना देवी जी के चंगर क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में अंत्याग यात्रा के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों से होकर जाने वाली ये यात्रा 100 दिन बाद 5 दिसंबर 2023 को कुनिहार तालाब स्टेडियम में एक महारैली के रूप में समाप्त होगी। इस महारैली को संस्थापक एवं अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर और अन्य सदस्य मिलकर समापन करेंगे। इस दौरान रुमित सिंह ठाकुर ने समस्त स्वर्ण समाज से आग्रह किया है कि 5 दिसंबर को महारैली में जन सैलाब के रूप में कुनिहार पहुंचकर अपना पूर्ण सहयोग दें। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। 27 अगस्त से ये अंत्याग यात्रा शुरू हुई थी, आज 95 दिन हम लोगों को हो गए पूरे हिमाचल प्रदेश में भ्रमण करते हुए। जगह जगह पंचायत पंचायत जाने का हम लोगों ने प्रयास किया है देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से। 5 दिसंबर को इस यात्रा का समापन कुनिहार तालाब स्टेडियम में किया जाएगा। स्वर्ण समाज स्वाभिमान महाकुंभ के तौर पर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक हमारी घुमारवी से कुनिहार तक पदयात्रा की जाएगी, जिसमें हम लोग अन्य जिलों से भी पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग पैदल पदयात्रा करते हुए कुनिहार की ओर पहुँचेंगे। पूरे देश भर से लोग पहुँच रहे, पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग पहुँच रहे हैं। स्वर्ण समाज के मुद्दों को लेकर इस अंत्याग यात्रा को किया गया है और विशेष तौर पर 5 दिसंबर को कुनिहार तालाब स्टेडियम में स्वर्ण समाज की विजयदशमी का भी आगाज किया जाएगा। वहाँ पर जिस प्रकार से भी हम लोगों ने रावण का दहन किया, बुराइयों का दहन किया, उसी प्रकार से 5 दिसंबर को कुनिहार तालाब स्टेडियम में स्वर्ण समाज विरोधी नीतियों, योजनाओं, कानूनों का वहाँ पर दहन किया जाएगा। वहाँ पर रावण रूपी पुतले के रूप में इन नीतियों को हम लोग दहन करेंगे और संकल्प लेंगे कि 2030 में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आरक्षण मुक्त हिमाचल प्रदेश दिया जाएगा। समानता के अधिकार के मुद्दे को लेकर हम लोग इस यात्रा के माध्यम से चले हैं और नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश को के मुद्दे को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग इस यात्रा के माध्यम से हम लोग चले हैं। 2024 का चुनाव भी है लोकसभा का, तो स्वर्ण समाज अपनी तीसरी ताकत खड़ी करेगा और तीसरा दल इस हिमाचल प्रदेश को एक मजबूती के साथ देगा, तो वो प्रयास राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नैना देवी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है, सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी, तो देर किस बात की। आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।